और बीजेपी ने झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर अनुराग शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अनुराग शर्मा के नाम का ऐलान होने के बाद उनके घर पर समर्थकों ने बधाई दी। अनुराग इससे पहले राजनीतिक रूप से कभी भी सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उनके पिता दिवंगत विश्वनाथ शर्मा दो बार सांसद रह चुके हैं। विश्वनाथ शर्मा 1980 में झांसी से और 1991 में हमीरपुर से सांसद रहे हैं। अनुराग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे अहम मुद्दा यह है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश को मजबूत सरकार की बहुत जरूरत है, इसीलिए पूरी झांसी की जनता को विश्वास है कि मोदी जी की सरकार फिर से बनानी है। सब दो तीन मुद्दे हैं, सबसे अहम मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए है कि मोदी जी को वापस लेके आना है। मोदी जैसी एक मजबूत सरकार, मोदी जी की मजबूत सरकार की इस देश को बहुत बहुत जरूरत है। इसीलिए पूरी झांसी की जनता को यही विश्वास है कि उनको की सरकार वापस बनानी है। और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, अमित शाह जी का, मोदी जी का और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का और सारे कार्यकर्ताओं का। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने छपार थाना क्षेत्र के बसीड़ा रोड पर एक जनसभा को संबोधित किया। शिवपाल यादव ने चौधरी इलम सिंह गुर्जर के पक्ष में वोट देकर जनता से जुटाने का आह्वान किया। इस दौरान शिवपाल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार बनने से पहले अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अब कहां गए अच्छे दिन। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि गन्ने का रेट बढ़ा नहीं और किसानों के हाल बदहाली की ओर हो गई है, युवाओं को नौकरी नहीं मिली और बेरोजगारी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना नहीं, अगर ये सब गठबंधन है भाई को जनता पार्टी नेताजी का साथ, नेताजी को हमारा समर्थन, एक सीट का नेताजी को समर्थन और शेष सीट हमसे अलायंस किया है बहुजन मुक्ति पार्टी और पीस पार्टी और कम से कम 50 छोटे छोटे दलों का मुझे समर्थन प्राप्त। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।